और जैसे कि फ्रेंड्स आज हमारा जो ट्रेनिंग का जो मेन प्रोडक्ट है, आज की ट्रेनिंग का जो हमारा मेन प्रोडक्ट है सबलिंगल स्प्रे मल्टी विटामिन, मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों के पास में इस स्प्रे अपने घर में अपने खुद के लिए और फैमिली मेंबर के लिए इस्तेमाल करने के लिए लिया हुआ है, कितने लोगों के पास में? दिखाइए यहाँ पे सबलिंगल स्प्रे, चाहे वो विटामिन B12 हो, चाहे मल्टी विटामिन हो, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन सी हो। राइट, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, सारे लोगों के पास में है। ओके ग्रेट। अच्छा फ्रेंड, जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूँ मल्टी विटामिन के बारे में, अंकित जी जरा अपना जो स्क्रीन है PPT जो आज का है वो जरा स्क्रीन पे ला दीजिए। मल्टी विटामिन स्प्रे, सबलिंगल स्प्रे। फ्रेंड्स आप सारे लोग जानते हो सबलिंगल टेक्नोलॉजी क्या है, मैं सिंपल एंड सॉबर भाषा में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोडक्ट, ये जो टेक्नोलॉजी है स्प्रे की, वो क्या है, जिसे आप उसको आसानी से समझ पाओ। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम जो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम दवाई लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन ये इसको समझना जरूरी है कि दवाई हम जो लेते हैं ना वो एक खुराक के तौर पे, मतलब कि जैसे हम खुराक खाते हैं और वही रास्ते से शरीर के अंदर वो दवाई भी जाती है, तो वो पहले जाती है स्टमक यानी पेट के अंदर जाती है, उसके बाद में जाती है लीवर के अंदर, और लीवर के बाद में वो मिश्रित होती है हमारे ब्लड सेल के अंदर। राइट, तो इसका एक रूट है, कोई भी दवाई आप लेते हो ना तो स्टमक में जाएगी, फिर बाद में लीवर में जाएगी, लीवर के द्वारा ब्लड सेल में वो ऐड होती है। राइट, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जैसे ब्लड जाता है वहां तक वो मेडिसिन के कंटेंट जो होते हैं वो जाते हैं। ये सबलिंगल टेक्नोलॉजी क्या है लोगों को बताना है कि देखो हम दवाई लेते हैं ना, तो दवाई के बारे में ये कहा जाता है कि हम जो दवाई लेते हैं ना वो अगर 100% है तो हमारे ब्लड सेल के तक पहुंचने में उसका जो परसेंटेज है वो 30-50 हो जाता है, 30 से 50 हो जाता है, बाकी का 50 से 70% वो वेस्टेज हो जाता है। तो सबलिंगल टेक्नोलॉजी क्या है, ये सबलिंगल टेक्नोलॉजी है, इसका सीधा हमको स्प्रे मारना है, और जैसे जीभ के नीचे इसका स्प्रे मारना है, स्प्रे मारते हैं तो जीभ से नीचे एक ग्रंथि होती है, राइट, एक रग होती है, सीधे हमारे हार्ट के अंदर जाती है, और हार्ट के अंदर हमारा जो ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए आता है, राइट, पंपिंग के लिए जो हमारा ब्लड वहां से आगे अलग अलग ऑर्गन में पूरे शरीर में जाता है, वहां पे इंस्टेंट मिश्रित हो जाता है, मिक्स हो जाता है। राइट, तो इसके लिए ये कहा जाता है कि ये जितना आप लेते हो ना 90%, 90 से लेके 95% ये जो इसके कंटेंट है वो हमारे शरीर के अंदर पूरे ब्लड सेल के अंदर इंस्टेंट मिक्स हो जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी है। और यहाँ तक कि ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स है, मेडिसिन के डॉक्टर्स है, वो ये कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो आने वाले समय के अंदर मेडिसिन के मार्केट को रिप्लेस करेगा, यानी जो दवाइयों का जो मार्केट है ना, दवाइयों का जो चलन चल रहा है ना उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सबलिंगल टेक्नोलॉजी वो जगह ले लेगी। राइट, तो कहने का मतलब हम जिस कंपनी के अंदर है ना वो कंपनी इतनी एडवांस है ना कि जो चीज आने वाले वक्त के अंदर होने के लिए जा रही है ना उसके ऊपर कंपनी ने अभी से काम करना चालू कर दिया है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? काफी सारे लोग ये कहते हैं कि यार वेस्टीज तो ये फलानी कंपनी है, वो कंपनी है, ऐसी कंपनी आ रही है, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा वेस्टीज जितनी पुरानी कंपनी है कि आज वो हेल्थ के अंदर क्या क्या रिवोल्यूशन होने के लिए जा रहा है। राइट, हेल्थ के अंदर क्या नया आ रहा है वो अभी से हमारे पास में लाके हमको दे रही है। राइट, तो हम और कंपनियों से काफी एडवांस है। राइट, ये फर्स्ट पॉइंट है वेस्टीज का, माय डियर फ्रेंड्स। राइट, अब जैसे कि आज की बात करें मल्टी विटामिन। राइट, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि अलग अलग विटामिन की बात करें तो जो हमारे सबलिंगल जो हमारा मल्टी विटामिन स्प्रे है उसके अंदर कौन कौन से विटामिन है वो आपको समझना जरूरी है। राइट, एक बार आप अपने खुद के लिए समझ लीजिए कि ये विटामिन कौन कौन से है, तो जैसे विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है। राइट, विटामिन ई है, सी है, जिंक है और सेलेनियम है, यहाँ पे आप देख रहे हो। राइट, तो फ्रेंड्स ये सारे विटामिन है। राइट, अब किसी को पूछा जाए ना कि भाई विटामिन कौन कौन से होते हैं तो कुछ लोग तो ये बता देते हैं कि सर विटामिन B1 से लेके विटामिन B12, मतलब कि सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे हमारे अंदर है। तो फ्रेंड्स जिसको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है किसी को बताने के वक्त, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना वो सारे विटामिन हमारे मल्टी विटामिन समलिंगल स्प्रे के अंदर है। राइट, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो,
अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो जैसे हमारा स्प्रे है, स्प्रे के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन की गई है, राइट। अब जैसे कि बात करें तो मल्टीविटामिन कहाँ कहाँ पे देना है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, और कैसे इस प्रोडक्ट के हम ज्यादा से ज्यादा नंबर्स बिक्री के लिए बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि ये जो विटामिन होते हैं ना वो कहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे कौन कौन से ऑर्गन के लिए, कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसके लिए हम पहले समझते हैं। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा विटामिन ए की। विटामिन ए ज्यादातर मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स आंखों के लिए। देखो आपको कनेक्ट करना है जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको, कि विटामिन ए तो आंखों के लिए काफी फायदेमंद है, बाकी सारी चीजों के लिए तो फायदेमंद है ही है, लेकिन आंखों के लिए काफी यूजफुल प्रोडक्ट है विटामिन, काफी यूजफुल विटामिन है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी अगर आपके शरीर में है ना, तो देखो आंखों की रोशनी को लेके आपको शिकायत आना चालू हो जाएगी, दिक्कतें आना चालू हो जाएगी, बराबर। जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई वो रतांध्रपना बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल की कमी के कारण ये चीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस अंधेरे में दिखाई ना देना प्रॉपर, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, अगर वो डिसीज की भी शुरुआत है तो विटामिन ए की उनफ है। देखने में भी अगर आपको दिक्कत है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है आपको। और मैं ये बताना चाहूंगा कि 15 साल के बाद या 18 साल के बाद आपके आंख के नंबर आना चालू हो जाते हैं, तो वो भी तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। तो विटामिन ए ये हमारे मल्टीविटामिन के अंदर है, राइट। अच्छा दूसरी चीज, बच्चों के कद और विकास के लिए भी ए विटामिन, बच्चों के विकास के लिए भी ए विटामिन काफी, विटामिन ए काफी हेल्पफुल है। तो वहां पे भी आप उसके भी अगर आप प्रॉपर देखिए कि 15 साल के बाद जैसे बच्चों का विकास जिस तरह से होना चाहिए है ना, किस लोगों को हाइट की शिकायत रहती है, किस लोगों को बॉडी अच्छा नहीं बनता है उसकी शिकायत रहती है, तो उसके लिए भी एक काफी यूजफुल है विटामिन ए, बराबर। मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये सारी समस्याएं होती है, तो वहां पे भी आप उनको दे सकते हो, बराबर। स्किन हमारी ज्यादातर ड्राई रहती है तो विटामिन ए उनको काफी सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर स्किन आपकी ज्यादा ड्राई रहती है और दरारें पड़ जाती है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो वहां पे भी आप विटामिन ए का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मल्टी विटामिन स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब जैसे बात करें विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं विटामिन B1, इसके लिए देखो B1 का मेन काम क्या है, जो खाना खाते हैं ना, खुराक खाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो खुराक का ऊर्जा में रूपांतरित होना चाहिए ना वो नहीं होता है, और इसके लिए जो यूजफुल विटामिन है हमारे शरीर के अंदर वो है विटामिन B1। मतलब कई बार ये होता है कि यार हम खाना खाते हैं लेकिन हमारे बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं दिख रहा है, राइट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम खाना खाते हैं लेकिन हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, ये चीज को आपको समझना है, राइट। तो विटामिन बी यानी मल्टी विटामिन स्प्रे लेंगे जिसके अंदर विटामिन B1 है, तो ये लेने से यहाँ पे आपकी भूख नहीं लगती है तो भूख भी लगेगी, और जो हम खाना खाते हैं ना वो खाने को ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रेड ब्लड सेल बनाने का काम करता है विटामिन B1, रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, रेड सेल ब्लड को और रेड ब्लड सेल को पैदा करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। जहाँ पे आप देखते हो कि जैसे कुछ ऐसे फीवर्स होते हैं, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, राइट, जैसे HIV के पेशेंट होते हैं, तो उनको जो रेड ब्लड सेल्स काफी कम हो जाते हैं तो उनको बनाने के लिए B1 काफी हेल्पफुल करेगा, राइट। कुपोषण जिनको होता है, जिनके ब्लड की ज्यादा कमी होती है ना उनको कुपोषण या कुपोषित लोग बोलते हैं, तो उनके लिए भी B1 काफी हेल्पफुल होता है, राइट। जैसे भूख न लगना, तो ये समझ लीजिए कि B1 की डेफिशिएंसी है, तो हम आप हमारा मल्टीविटामिन उनको दे सकते हो। अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है कि भूख नहीं लग रही है, तो और ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो होता है ना यंग लड़कियों को ज्यादा होती है, अगर मैं उम्र की बात करूं तो भूख न लगना ना ये कॉमन प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई देगा कि 12 से लेके 18 या 20 साल की लड़कियां जो होती है ना उनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि भूख न लगना, राइट। तो वो पतलियां रहती है, मतलब कि काफी पतले रहते हैं और आयरन की भी डेफिशिएंसी रहती है उनको, तो B1 काफी हेल्पफुल करेगा वहां पे, तो आप मल्टीविटामिन स्प्रे हमारा दे सकते हो। विटामिन बी थ्री क्या करेगा, विटामिन बी थ्री आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा डाइजेशन के लिए, बराबर। डाइजेशन अगर आपका रेगुलर नहीं है तो आपकी जो
डाइजेशन सिस्टम अगर रेगुलर नहीं है तो बी थ्री आपको काफी सपोर्ट करेगा डाइजेशन को रेगुलर करने के लिए, बराबर। स्किन के लिए भी बी थ्री काफी हेल्पफुल है, स्किन के प्रॉब्लम के लिए, स्किन के ऊपर जो काले काले डार्क से हो जाते हैं ना, राइट, तो वहां पे भी आपको बी थ्री काफी हेल्पफुल करेगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सन बर्निंग जिनको होता है, जिनकी स्किन ज्यादा फेयर होती है और स्किन का जो पहला लेयर जो बोलते हैं ना, जो मेलानिन का जो लेयर होता है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर ना होने के कारण स्किन यानी सनलाइट में जाते हैं ना, तो सीधी स्किन के ऊपर बर्न होता है, राइट। तो सन बर्निंग का जिनको इश्यू रहता है तो उनके लिए, उनके शरीर में बी थ्री डेफिशिएंसी है, तो आप हमारा सबलिंगल स्प्रे ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर विटामिन बी थ्री है जो आपको काफी हेल्पफुल करेगा, सन बर्निंग से आपको बचाने का काम करेगा, राइट। विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव अथराइटिस पेशेंट के लिए, जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है, जो घुटनों का दर्द का प्रॉब्लम है, अथराइटिस का जिनको प्रॉब्लम है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बोलते हैं ना, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं वा जो बोलते हैं, राइट, आप समझ सकते हो उसको क्या कहते हैं हिंदी में एग्जैक्टली, आर्थराइटिस, राइट, जो अलग अलग जो बुजुर्गों में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अच्छा मैं बताना चाहूंगा, जिनको चिकनगुनिया हो गया है ना, उनको सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, राइट, आर्थराइटिस की उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनके जो ज्वाइंट है ना वो जकड़ जाते हैं, खुलते नहीं है और काफी पेन सा हो सब पेन महसूस होता है, राइट, तो उनके लिए विटामिन बी फाइव काफी हेल्प करेगा, राइट। तो जिनको भी विटामिन बी फाइव की डेफिशिएंसी है ना, उनको आर्थराइटिस होने के चांसेस भी ज्यादा है, राइट, उनको लाइक ऐसा जब भी कोई फीवर वगैरह होता है तो उनके जो जड़े हैं, मतलब कि उनके सॉरी जो जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स उनके काफी दर्द महसूस करते हैं, राइट, तो वहां पे भी आप मतलब ये मल्टी विटामिन हमारा सबलिंगल स्प्रे है वो उनको दे सकते हो। अच्छा दूसरा चीज, बी फाइव आपको हेल्प करेगा आज के पंपिंग के लिए, जिनको हार्ट पंपिंग का इश्यू है, हार्ट के जो हम बोलते हैं ना हार्ट बीट्स जो अनइवन रहते हैं, राइट, उनके लिए काफी हेल्पफुल करेगा। और ऐसे केसेस में जिनको हार्ट के जो हमारे धड़कने होती है ना वो अप एंड डाउन रहती है या ज्यादा तेज हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आपको हमारा ये सबलिंगल स्प्रे मल्टीविटामिन है वो भी देना है, और साथ में को एंजाइम क्यूटेन भी देना है आपको, को एंजाइम क्यूटेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी आपको साथ में देना है, राइट। मैं हर एक प्रोडक्ट को लेकर आपको आपके पास में मैं ट्रेनिंग लेके आऊंगा, जो आपको सिंपल एंड सबल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, तो क्यूटेन की ट्रेनिंग रहेगी, उस टाइम ही मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा कि वो किस तरह से कहाँ कहाँ हमारे शरीर के अंदर क्यूटेन इंपॉर्टेंट है, राइट, लेना। ओके, तो बी फाइव के लिए आप समझ गए, आर्थराइटिस के लिए जिनको चिकनगुनिया होता है, जिनके जॉइंट्स बार बार जकड़ जाते हैं, पेन होता है, और खास करके विंटर के सीजन में उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल है। और जैसे मैंने बताया कि भाई हार्ट पंपिंग का जिनको इश्यू है, राइट, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। विटामिन बी सिक्स देखो ये प्रॉब्लम भी है ना, ज्यादातर लेडीज के अंदर देखा जाता है, मूड स्विंग, मतलब कि जिनका बोलते हैं ना मूड चला गया है, मूड नहीं आता है, राइट, मूड जिनका स्विंग हो जाता है, राइट, ओके, और कुछ लोग बोलते हैं ना यार मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं यार मेरा मूड क्यों ऐसा हो रहा है, पहला ऐसा नहीं होता था, अभी बार बार ऐसा होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे, कुछ मजा नहीं आता है, जिनके मूड बार बार स्विंग हो जाते हैं। दूसरा चीज, दूसरा मूड स्विंग, दूसरा किसको कहते हैं, अचानक कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी घटी जो आपकी पसंद वाली नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगा है, तो तुरंत आपका स्वभाव चिड़चिड़ियापन हो जाता है, आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपके अंदर अचानक सा गुस्सा आ जाता है, भड़कने लगते हो सामने वाले के ऊपर, और कई आपको ये लगता है कि यार मुझे तो पहले ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है वो है विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। तो अगर आपके स्वभाव में ये सारी चीजें अगर आपको नजर आती है, राइट, आपको लगता है यार पहले तो मैं बच्चों के ऊपर नहीं भड़कता था या नहीं भड़कती थी, अभी अचानक ये क्या हो गया है, कुछ महीनों से मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ लीजिए कि भाई ये कहीं ना कहीं विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी है, राइट। तो आप हमारा ये मल्टीविटामिन सबलिंगल स्प्रे आप उनको दे सकते हो, अगर आपको खुद कोई समस्या है तो आप खुद भी ले सकते हो, राइट, ओके। और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं ना ये मीटिंग, तो वो शायद ये कहेंगे कि ये चीज की मेरी मम्मी को जरूरत है, क्योंकि वो बार बार मेरे पे भड़क जाती है, राइट, ओके, जब से बात फ्रेंड्स, ओके, तो बी सिक्स आपको यहाँ पे हेल्पफुल करेगा,
अच्छा, B6 का एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। B6 अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको B6 लेना जरूरी है। अगर आपकी इम्यूनिटी बार बार आपको थकावट से महसूस होती है तो B6 आपको कंपलसरी चाहिए, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। अच्छा, और एक चीज, B6 अगर कमी है, जैसे मैंने बताया, इन कारणों से पता चलेगा। दूसरी चीज, इसका और भी एक सिम्टम्स है, जैसे होठ बार बार फट जाना, होठों का बार बार फटना, वो भी B6 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो यहाँ पे B6 का, होठ फटते हैं तो B6 का भी आप, मतलब कि डेफिशिएंसी है, आप उसका भी इस्तेमाल सबलिंगल स्प्रे ले सकते हो। गले में जो सूजन आ जाती है ना, गले में जो सूजन आ जाती है वो आयोडीन की कमी के कारण भी होती है और B6 के कारण भी होती है। तो आयोडीन और B6 दोनों हमारे सबलिंगल स्प्रे के अंदर है, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, B7, विटामिन B7। देखो, ये विटामिन B7 है ना, लेडीज के लिए काफी फेवरेट विटामिन है। अब लेडीज आप पूछेंगे कि क्यों B7 हमारे लिए काफी फेवरेट क्यों है, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके बाल ड्राई है, आपके बाल अगर रफ है, अगर आपके बाल सिल्की नहीं है और आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं है, तो B7 की डेफिशिएंसी के कारण है, राइट। तो विटामिन B7 अगर आप रेगुलर लेंगे तो आपके बालों के अंदर सीधा आपको रिजल्ट नजर आएगा, राइट। तो बालों के लिए जो इम्पोर्टेंट विटामिन है वो विटामिन B7 है, राइट। तो हमारे जो सबलिंगल मल्टीविटामिन स्प्रे, उसके अंदर भी B7 ऑलरेडी ऐड किया गया है, राइट। तो बालों के लेके कोई भी समस्या है, या बाल झड़ना है, बाल रफ होना है, बाल ड्राई होना है, राइट, और बाल जैसे आपके होने चाहिए वो नहीं है। और कुछ लोगों की समस्या ये आती है कि कुछ साल पहले मेरे बाल इतने अच्छे थे, अभी मेरे बाल अच्छे नहीं है। और कई प्रेग्नेंट महिलाओं को आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद उनके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं, उनके बालों का प्रकार चेंज हो जाता है, राइट। तो पहले जैसे बाल नहीं रहते उनके, जिस हिसाब से उनके पहले थे, तो उनके लिए खास मैं बताना चाहूंगा, ये B7 विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आपको सबलिंगल स्प्रे कंपलसरी लेना है, वो आपके बालों के अंदर भी काफी हेल्पफुल करेगा, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, B7 आपको वहां पे हेल्प करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। तो जिनको डायबिटीज है ना, उनके लिए भी ये सबलिंगल स्प्रे काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B7 है जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, राइट। जिनका ब्लड शुगर अप एंड डाउन हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि B7 की डेफिशिएंसी के कारण भी ये चीज होती है। B7 अगर आप सबलिंगल स्प्रे के द्वारा लेंगे तो वो काफी आपको हेल्प करेगा, और डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी ये अच्छी चीज है, B7, विटामिन B7। अब विटामिन D2, आपने सुना होगा कि आप दूध भी खाते हैं, केले भी खाते हैं, राइट। तो उसमें से आपको कैल्शियम मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा, अगर विटामिन D3 और D2 अगर आपके शरीर में नहीं है, विटामिन डी और विटामिन D2 अगर आपके शरीर में बनता नहीं है, तो वो कैल्शियम दूध और केले वाला आपके बोन्स जिसको ऑब्जर्व करने चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो D2 विटामिन वो हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, और हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप कैल्शियम ग्लूकोजोमाइन घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए ले रहे हो, तो आपको कंपलसरी मल्टी विटामिन सबलिंगल स्प्रे लेना है। समझ में आ रहा है? डी टू जो है ना, वो काफी आपको हेल्प करेगा। D2 आपके मगज के विकास के लिए, माइंड के सेल्स के विकास के लिए भी D2 काफी हेल्प करता है आपको, राइट। अच्छा, विटामिन B12 के बारे में आप सभी लोगों को पता है। लास्ट हमने जो ट्रेनिंग किया था विटामिन B12 का किया था, जो हमारी नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है, हमारी जो नसें होती है वो नसों जो फूल जाती है, नसों में दर्द का जो महसूस होता है उसको नॉर्मल करने का काम करता है, राइट। विटामिन B12 के काफी सारे फायदे हैं। जो लास्ट ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हो, और विटामिन B12 का तो कंपनी ने हमको अलग से स्पेशली सबलिंगल स्प्रे दिया हुआ है, राइट। तो विटामिन B12 के बारे में आप सभी लोग जानते हो, लेकिन अगर नॉर्मल सी डेफिशिएंसी है तो हमारे मल्टीविटामिन सबलिंगल स्प्रे है, उसके अंदर विटामिन B12 ऐड है, राइट। उसके बाद में आता है विटामिन A। विटामिन ए की बात करूँ ना, विटामिन ई जो है ना, वो खास करके महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। कहाँ पे? इनफर्टिलिटी के जो इश्यू है ना,
इनफर्टिलिटी के इश्यू के लिए विटामिन ई की अलग से कैप्सूल डॉक्टर पेशेंट को देते हैं, राइट। तो अगर आप प्रेगनेंसी रखना चाहते हो तो उस टाइम भी ये हमारा मल्टीविटामिन सबलिंगल स्प्रे काफी हेल्पफुल करेगा। जेंट्स और लेडीज दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, राइट, तो वहां पे भी आप विटामिन ए आपको काफी हेल्पफुल करेगा। आप प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, साथ साथ में ए आपके जैसे जो नसें होती है ना, वो नसों को खोलने के लिए भी काफी आपको हेल्पफुल करता है, राइट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको विटामिन ई, जैसे मैंने बोला कि ये काफी इनफर्टिलिटी के लिए और प्रजनन शक्ति के लिए काफी आपको हेल्प करेगा। ओके, विटामिन सी स्किन के लिए, देखो स्किन रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होगा ना, तो कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको विटामिन सी की कैप्सूल देगा, यानी देगा ही देगा, राइट। और विटामिन सी हम बोलते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, राइट। तो विटामिन सी काफी हेल्पफुल है। विटामिन सी का हमारा सबलिंगल स्प्रे कंपनी ने अलग से भी हमको दिया हुआ है, राइट। डी का भी दिया हुआ है और विटामिन सी का भी दिया हुआ है, राइट। फ्रेंड्स जो हमारे गांव को भरने के लिए, कोई भी अगर आपको चोट वगैरह लगी है तो आपके गांव जल्दी से नहीं भरते हैं ना, तो उसके लिए विटामिन सी आपको काफी हेल्प करेगा। और जैसे मैंने बोला एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसे आप समझ सकते हो कि हर जगह पे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है। विटामिन सी लेने से हमारा एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करता है, राइट। और जैसे सर्दी जुकाम जो हो जाता है ना, वो सर्दी जुकाम होने का कारण ये होता है हमारी लोअर इम्यूनिटी। उस टाइम हमारी लोअर इम्यूनिटी के कारण सर्दी के बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर काफी घर कर जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, राइट। तो उन दौरान जैसे सर्दी जुकाम ज्यादा अगर आपको रहता है, साइनस का अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो विटामिन सी आपको लेना है, राइट। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण भी बार बार आपको साइनस वगैरह की समस्या होती है, राइट। एलर्जी की भी समस्या आपको होती है, तो हमारा जो सबलिंगल मल्टीविटामिन स्प्रे है उसके अंदर विटामिन सी भी एड है। जिंक के बारे में आपको पता है, जिंक हमारे ब्लड सर्कल, ब्लड सेल और ब्लड को बनाने का काफी हेल्पफुल करता है। आयरन और जिंक की कैप्सूल भी ऑलरेडी हमारे पास में है, तो इसके अंदर जिंक भी ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। जिंक क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए काफी हेल्पफुल करता है। जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, राइट, तो मैं कहना चाहूंगा अगर प्रोटीन पाउडर लेते हो, प्रोटीन पाउडर का आप सही में आपके मसल्स तक उसको पहुंचाना चाहते हो, मसल्स के सेल्स तक आप अपना प्रोटीन पहुंचाना चाहते हो ना, तो आपको जिंक की डेफिशिएंसी है तो वो नहीं काम कर पाएगा, आपको साथ में कंपलसरी जिंक लेना पड़ेगा, राइट। तो आप हमारी आयरन फॉलिक जो है उसके अंदर भी जिंक है वो भी ले सकते हो। अगर वो नहीं लेना चाहते हो, हमारा जो मल्टीविटामिन सबलिंगल स्प्रे है उसके अंदर ऑलरेडी जिंक है, राइट। और जैसे सेलेनियम और आयोडीन, बराबर है, दोनों के बारे में बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। थायरॉइड के जितने भी पेशेंट है ना, और थायरॉइड अगर आपको बॉर्डर लाइन पे है, और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जितनी भी प्रेग्नेंट महिला है ना, वो प्रेगनेंसी चाहे एक प्रेगनेंसी हो चाहे दूसरी प्रेगनेंसी हो गई हो, आप अपने बॉडी चेकअप रेगुलर करवाइए, पूरे आपके ब्लड रिपोर्ट, आपका बॉडी चेकअप करवाइए, राइट। उसके अंदर कहीं ना कहीं थायराइड आपको बॉर्डर लाइन पे नजर आएगा, राइट। और कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों के अगर मैं बात करूं तो एक या दो प्रेगनेंसी के बाद हमारी जैसे अभी फूड हैबिट ऐसी हो गई है कि जिसके कारण थायराइड डिटेक्ट होता है, मतलब कि थायराइड पहले नहीं था, अब थायराइड आ जाता है 1 to 2 प्रेगनेंसी के बाद, राइट। क्योंकि होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे अच्छे घटक तत्व है ना, तो बच्चा जब बेबी तैयार होता है गर्भ के अंदर, तो वो सारे पोषक घटक वो बच्चे के विकास के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अब तक प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर गायनेक पेशेंट को ये कहते हैं, लेडी को ये कहते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद आपको मिनिमम 9 से 10 महीना तक आपको ये मेडिसिन खानी है। लेकिन महिलाएं ज्यादातर वो मेडिसिन को अवॉइड करती है कि हमको तो कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा आ गया, बेबी आ गया, अब क्यों दवाइयों की जरूरत है, वो दवाइयां नहीं लेते हैं। और ना लेने के कारण उनको ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अब मल्टीविटामिन जो हमारा सबलिंगल स्प्रे है ना, उसको आपको कहाँ कहाँ पे देना है, इस चीज को आपको समझिए। देखो मैंने आपको एक जानकारी दी,
कि हमारे सबलिंगल स्प्रे के अंदर कितने सारे विटामिन है वो सारे के बारे में बताया, कौन सा विटामिन कहाँ पे जरूरी है वो भी मैं आपको बताया। अब एक चीज को समझिए, आपने देखा होगा कि सर आपने जितने भी मल्टी विटामिन के बारे में बताया ना, वो बालों से लेके पाँव के नाखून तक शरीर के हर एक जगह पे काम करते हैं सारे विटामिन, तो मतलब कि ये तो सारे विटामिन लेने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपके घर में अगर कोई कोई भी बीमारी से प्रभावित है और डॉक्टर ने उसको बोला है कि 6 महीने तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी, 2 महीने तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी, या 1 साल आपको दवाई लेनी पड़ेगी, या जिंदगी भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तो वो सारी दवाइयों के अंदर एक दवाई आपको कॉमन मिलेगी, सारी दवाइयों के अंदर एक दवा कॉमन मिलेगी और कंपल्सरी मिलेगी, और वो कौन सी होगी पता है? मल्टी विटामिन। मल्टी विटामिन की कैप्सूल कंपल्सरी आपको मिलेगी वो सारी दवाइयों के अंदर। इवन आप कोई भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर आपको 3-4 कैप्सूल जो लिख के देते हैं ना, उसमें भी एक कैप्सूल मल्टी विटामिन का कंपल्सरी होता है, राइट? तो अब पहले चीज, आपकी जो मल्टी विटामिन की कैप्सूल आपके घर में, अगर जो दवाइयां ले रहे हैं उसमें देखिए कि कोई मल्टी विटामिन की कैप्सूल है कि नहीं है, है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए हमारे सबलिंगल स्प्रे से। पहली चीज समझ में आ रहा है ना, उसको रिप्लेस कर दीजिए हमारे सबलिंगल स्प्रे से, क्योंकि ज्यादातर लोग देखो मैं जहां जहां पे जाता हूँ ना, और जब ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ ना, तो लोग क्या करते हैं, मैंने ज्यादा घरों में देखा है कि कुछ ऐसे भी घर मुझे मिले हैं कि पूरा दवाई का डिब्बा लेके आते हैं, पूरा दवाई का डिब्बा लेके आते हैं और ढेर सारी दवाइयां, किसी के घर में 5, किसी के घर में 10, किसी के घर में 15, और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं बुजुर्ग लोग कि सर हम खाना कम खाते हैं या दवाइयां हम ज्यादा खाते हैं, समझ में आ रहा है? तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इसमें से मैं आपकी एक दवा बंद करवा दो और दवाई के बिना उसका सॉल्यूशन दो तो कैसे रहेगा, तो बोले सर सारी की सारी आप बंद करवा दो तो अच्छा है। लेकिन मैं उनको कहता हूँ देखो इसमें से एक तो मैं कंपलसरी बंद करवा सकता हूँ, मतलब कि मेरे पास में उसका सॉल्यूशन है, उसका ऑप्शन है, तो मैं वो दवाइयों में से मल्टी विटामिन जो वाली है वो निकालता हूँ और उनको कहता हूँ कि ये जो आप मल्टी विटामिन ले रहे हो ना, उसकी जगह पे आप हमारा स्प्रे ले सकते हो। और जब स्प्रे खोल के मैं उनको बताता हूँ इसको सिंपल ऐसे लेना है, राइट, तो ये बोलते ये तो आसान है, राइट, तो वो तुरंत कहते हैं कि सर आते कैप्सूल बंद आप मेरे लिए ये भिजवा दीजिएगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड, राइट? और मेरे काफी सारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, जब ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने उनको बताया, उन्होंने उसको देखा और इसके बारे में समझा, तो उन्होंने यही कहा कि भाई पेशेंट को जो हम मल्टी विटामिन देते हैं ना, तो इसका ऑप्शन है, इसके जगह पे मतलब कि मल्टी विटामिन की कैप्सूल की जगह पे आप ये मल्टी विटामिन स्प्रे दे सकते हो, राइट? तो फ्रेंड्स पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज आप देखिए, अब जैसे आपने इसके बारे में पूरा समझा ना, तो देखिए सारे प्रॉब्लम के लिए मल्टी विटामिन काम में इस्तेमाल होता है, इसीलिए तो कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर सारे प्रॉब्लम के लिए एक कैप्सूल तो कॉमन लिख ही देता है पेशेंट को, वो है मल्टी विटामिन। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो मल्टी विटामिन स्प्रे ऐसी चीज है कि आपके और हमारे घर में जितने भी लोग 12-13 साल के ऊपर के लोग है ना, वो सारे लोग ये मल्टी विटामिन स्प्रे ले सकते हैं, राइट? अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि उसको हर रोज लेना है, मतलब कि हर पूरे जिंदगी भर लेना है, तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा ये मल्टी विटामिन जो है ना जरूरी नहीं है। घर अगर आप खुद लेना चाहते हो ना, तो एक स्प्रे ले लो साल में एक बार, इनफ है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? साल में एक बार स्प्रे ले लो, इनफ है, राइट? ओके, तो इससे भी काफी फायदा नजर आएगा, चाहे आपके बालों के अंदर, चाहे आपके स्किन के अंदर, चाहे आपके घुटनों के दर्द के अंदर, चाहे आपके एनर्जी लेवल के अंदर, हर जगह पे आपको इसका फायदा नजर आएगा, राइट? तो आप इस तरह से भी ले सकते हो कि मैं हेल्दी हूं तो मुझे हर रोज लेना जरूरी है, एक स्प्रे की बॉटल खत्म कर दो चलेगा, उसके बाद में आप अलग अलग सप्लीमेंट जो हमारे है वो भी ले सकते हो, राइट? कोई चीज ऐसी नहीं है कि अगर आप हेल्दी हो तो उसको परमानेंट रखना ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ CMD जो है वो हर रोज लेना है, राइट? ओके, क्योंकि ये मिनरल्स है, मिनरल्स जैसे हम खुराक हमारे शरीर के अंदर एवरीडे जाना चाहिए, वैसे ही
ये मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर एवरेज आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग आपको ये बोले कि मल्टीविटामिन हमको नहीं लेना है तो हमको कौन से फल कौन से सब्जियां खाने पड़ेगी, तो उनको आप कह सकते हो कि 22 प्रकार के अलग अलग सब्जियां या अलग अलग फल आपको खाने पड़ेंगे, तब जाके ये सारे मल्टीविटामिन आपको उसमें से मिल पाएंगे, राइट। अब 22 जात की अलग अलग सब्जियां या फलों की बात करें तो क्या सही में ये 22 जात के अलग अलग सब्जियां फल हमारे घर में आते हैं क्या? आप देख लो लास्ट 1 महीने तक आपने कितनी अलग अलग सब्जियां खाई है, आप देख लो 1 महीने में, लास्ट 1 महीने में आपके घर में कौन कौन से अलग अलग फ्रूट आए हैं, राइट। हार्डली 10 से 12 होंगे, 22 नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? तो अगर 22 लेने के लिए जाएंगे तो इससे सस्ता तो हमको सब लिंगल स्प्रे पड़ेगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से समझिए कि मल्टीविटामिन स्प्रे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आपको इसके साथ में देना है, चाहे आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हो तो इसके साथ में आपको सीएमडी और मल्टीविटामिन स्प्रे आपको देना है। अच्छा, सीएमडी किडनी या प्रेग्नेंट महिलाओं को आपको नहीं देना है, लेकिन किडनी और प्रेग्नेंट महिलाओं को आप मल्टीविटामिन स्प्रे हमारा दे सकते हो, ओके। तो वहां पे आपको इसको देना है, फिर बुजुर्ग लोग जितने भी है, राइट। तो कई बार ये होता है कि यार बुजुर्ग को तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, क्या दे? तो मैं बताना चाहूंगा, अगर 65-70 साल की एज हो गई है तो सीएमडी मल्टीविटामिन स्प्रे और सीबकसन दे दो, राइट। ये लेने से उनको काफी अच्छा महसूस होगा, ऑलमोस्ट काफी सारे प्रॉब्लम के अंदर उनको काफी सारा अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा, अच्छा खासा रिजल्ट उनको मिल जाएगा। वहां पे भी आप हमारा मल्टीविटामिन सबलिंगल स्प्रे दे सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि जिन जिन लोगों के घरों में जो जो ज्यादा लोग दवाइयाँ खाते हैं, तो वो हर एक दवाई के अंदर, मतलब कि जितनी भी दवाई है उसके अंदर एक मल्टीविटामिन कैप्सूल मिलेगा, उसको रिप्लेस कीजिए सबलिंगल स्प्रे से बराबर। और आपके घर में जितने भी 13 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए जरूरी है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा हॉर्मोन चेंजेस कब होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। आप देखिए 13 12 13 साल से लेके 22 23 साल के बीच में हॉर्मोन चेंज होते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, राइट। और विकास के लिए, हर एक शरीर के ऑर्गन के विकास के लिए ये मल्टीविटामिन काफी हेल्प करेगा, राइट। तो उस टाइम आपको हर साल मिनिमम एक बॉटल एक बंदे को लेना जरूरी है, राइट। तो वहां पे आपको उनको देना है। सर, मैंने आपको बता दिया जो चैट में लिख रहे हैं, सीएमडी किडनी पेशेंट को नहीं देना है, उनको डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर को बताना है सीएमडी के बारे में, अगर वो जानते हैं तो अच्छा है, डॉक्टर उनको बताएंगे कि उनको लेना कि नहीं लेना, किडनी पेशेंट को हमको नहीं देना है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो वहां पे जैसे मैंने बोला हॉर्मोन चेंज होते हैं, वहां पे उनको देना है। अच्छा, 35 साल से लेके 40 साल के बीच में, राइट, जो लेडीज को मोनोपोज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तो उनको ये चीज को लेना है, राइट। मल्टीविटामिन वहां पे भी आपको काफी हेल्प करेगा, ओके। और जेंट्स को भी उस उम्र के अंदर काफी आपको हेल्प करेगा, राइट। तो हर जगह पे आप मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया है, मल्टीविटामिन के बारे में। नेक्स्ट गुरुवार को हम एक नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लोगों के पास में लेके आएंगे, और बस मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं सिंपल एंड सॉबल लैंग्वेज में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसको आप कहाँ पर और कैसे कैसे इसके बारे में लोगों को आप आसानी से सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में जिक्र कर सकते हो, बता सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिले। एक चीज मुझे आप लोगों से चाहिए, राइट। मैं इसके लिए आपको आगे भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए लिया है ना, उसके जो जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं ना, उसका 1 मिनट का वीडियो, इसका 1 मिनट का वीडियो आप लोग हमें बना के भेजिए, राइट। और इसके लिए जो नंबर अगर आपके पास में नहीं है तो मैं नंबर यहाँ पे अंकित जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नंबर यहाँ पे चैट में डाल दीजिए, या मैं बोलूंगा नंबर 9082398928। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 9082398928, 9082398928। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके कोई भी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जिसको भी आपने जो भी हमारा प्रोडक्ट दिया है और जो भी रिजल्ट्स मिला है ना, उसका 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए। फ्रेंड्स, ये सारे वीडियो अगर हम यूट्यूब चैनल में डालेंगे ना,
तो आप सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कैसे कि जैसे घुटने के दर्द, कमर के दर्द, राइट, या हार्ट के प्रॉब्लम, या किडनी के प्रॉब्लम, या लीवर के प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम की काफी सारे लोगों को समस्या होती है। अब आपने वो प्रोडक्ट को देते हुए, विस्टिस को प्रोडक्ट को देते हुए आपने जो भी रिजल्ट लिया है ना, वो रिजल्ट वाला वीडियो अगर हम यूट्यूब में डालेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए मैं नया जुड़ा हूँ या आपके नीचे कोई नया जुड़ा है, अब वो जो विस्टिस के प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए कोई पेशेंट के पास में जाएगा, किसी घर पे जाएगा ना, तो वो घर में अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे घुटने के दर्द का प्रॉब्लम है, तो वो सीधा यूट्यूब चैनल को खोल के जिनको भी घुटने के दर्द के वीडियो रिजल्ट मिले हैं वो वीडियो दिखाना चालू कर देगा। अब जब वो वीडियो दिखाना चालू कर देगा ना, तो जो पेशेंट वीडियो देख रहा है ना, उसको एक भरोसा मिल जाएगा कि यार ये जो बंदा मेरे पास में जो चीज लेके आया है या जो चीज के बारे में मुझे बता रहा है ना, वो लेने से अगर इतने लोगों को रिजल्ट मिला है तो मैं भी लूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो से उनको एक भरोसा मिल जाता है, उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये वीडियो की डिमांड कर रहा हूँ, राइट। तो आपके ओर से जितना हमको वीडियो का सपोर्ट मिलेगा ना, वो सारे वीडियो हम आपके लिए यूट्यूब में डालेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम वाला बंदा है, चाहे आपसे कितने हजारों किलोमीटर दूर क्यों नहीं बैठा है, चाहे आपका रिश्तेदार भी क्यों नहीं है, चाहे आपका फ्रेंड भी क्यों नहीं है, अब जब वो आपको बताता है यार मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, यूट्यूब चैनल में जाके ये हमारे जो टेस्टिमोनियल है ना, उसके 5-6 वीडियो उनको भेज दो और उनको बोलो कि देखो ये आपके प्रॉब्लम वाले हैं, आपकी जैसे ही प्रॉब्लम दी और आज उनको ये विस्टिस प्रोडक्ट के जरिए उनको ये समाधान मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो वो भी आपको भले हजारों किलोमीटर दूर बैठे वीडियो देखते हुए वो आपको ऑर्डर देंगे, राइट। तो ऐसे स्मार्ट वर्क कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स, और हम सारे मिलके कर पाएंगे, हम सारे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है कि आपको जो प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला है ना, वो प्रोडक्ट को आपके हाथों में रखिए, हो सके तो साथ में रखिए, और जिनके पास में जिनको रिजल्ट मिला उनके पास में बैठिए, उनको पूछिए कि पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी, और अगर वो दवाई हमारे सप्लीमेंट के बारे में बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं तो बोलिए, बुलवाइए, अगर नहीं बोल सकते तो आप बोलिए कि मैंने उनको ये सप्लीमेंट दिया था, आज सर आप हमको बताओ, मैडम आप हमको बताओ कि आपने हमारी सप्लीमेंट ली तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, राइट। एक मिनट का छोटा सा वीडियो खाली आप बना के हमको भेजिए, राइट, और देखिए कितना धमाका करेगा ये सारे वीडियो। ये सारे वीडियो आपके बीबीपीवी जनरेट करके देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, राइट। तो बस मुझे आपसे यही चाहिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, ओके।